अगर आप कंपनी पॉलिटिक्स से दूर होकर केवल अपने वर्क पर फोकस करना चाहते हो और डेली कुछ ना कुछ नई स्किल सीखना चाहते हो, तो देन टू वर्क विद स्टार्टअप कंपनीज इज द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन फॉर यू। स्टार्टअप कंपनीज के साथ काम करने पर आपको लॉन्ग टर्म विजन और क्लियर माइंडसेट वाले लोगों के साथ तो काम करने का मौका मिलेगा ही, उसके साथ आप अपने लिमिट्स को पुश करना भी सीख जाओगे। क्योंकि स्टार्टअप्स में होता क्या है, इनिशियल स्टेज में बहुत कम लोगों को बहुत ज़्यादा वर्क मैनेज करना पड़ता है, तो आपको अपनी फील्ड के अलावा अदर वर्क्स को भी हैंडल करना पड़ेगा, तो आपको बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप एक स्टार्टअप कंपनी के अंदर किस तरह इजीली जॉब फाइंड कर सकते हो या आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो स्टार्टअप कंपनी के साथ इजीली। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गेटिंग ए जॉब इन स्टार्टअप और वर्किंग विद ए स्टार्टअप कंपनी इज वेरी इजी, आप जितना सोचते हो ना उससे बहुत ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले तो अपन कुछ चीज़ें क्लियर कर लेते हैं कि स्टार्टअप कंपनीज के जो फाउंडर्स होते हैं ना, उनको डिग्री से ज़्यादा मतलब नहीं होता, उनको आपकी स्किल से ज़्यादा मतलब होता है। तो इसका मतलब वो जो वर्किंग एनवायरनमेंट है ना, वो डिग्री ओरिएंटेड होने की बजाय स्किल ओरिएंटेड ज़्यादा है। तो अब हम देखते हैं आप मतलब एक स्टार्टअप के साथ किस तरीके से जल्दी वर्क कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी जिसमें मिनिमम 10 तो प्रोजेक्ट होने ही चाहिए। अब आप कहोगे कि मतलब हम इतने प्रोजेक्ट्स लाएंगे कहाँ से, जैसे अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, वेब डेवलपर हो, वेबसाइट डिज़ाइनर हो या कोडर हो, तो आपको करना क्या है, सिंपली अपने आपके सिटी या टाउन में आसपास जाना और मतलब बहुत सारे शॉप्स होंगी, रेस्टोरेंट्स होंगे, जिम्स होंगे और मतलब सिटी सेंटर मॉल्स टाइप काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, तो उन लोगों से आप कॉन्टैक्ट करो और उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क करो ताकि आपकी प्रोफाइल बिल्डअप हो। तो इससे क्या होगा, आपको प्रोजेक्ट्स काम करने का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और उसके साथ आपकी प्रोफाइल भी बिल्डअप हो जाएगी। तो अब उसके बाद आपको क्या करना है, डेली सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ना, FB, इंस्टा, लिंक्डइन, यूट्यूब, इन पे अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हो ना, जो भी आप लोगों के लिए काम कर रहे हो उस कंटेंट को बताना है लोगों को, वो डेली पोस्ट करना है अपना कंटेंट। ये इससे होगा क्या, ये आपका खुद का प्रमोशन है, इससे आपकी डिस्कवरेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब लोग आपको जल्दी ढूंढ पाएंगे। तो अब आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि डिस्कवरेबिलिटी बढ़ाना क्यों जरूरी है। सपोज करते हैं आपके टाउन में एक बेकरी की नई शॉप खुली है, जो वो बेकरी वाला है वो बहुत अच्छे केक्स बनाता है, पर उसके बारे में किसी को पता ही नहीं कि वो बहुत अच्छे केक्स बनाता है। जब उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं तो लोग उससे केक क्यों खरीदेंगे। तो वो क्या करता है, अपना प्रमोशन स्टार्ट करता है, मतलब अपने बारे में लोगों को बताता है कि हाँ मैं केक्स बनाता हूँ, आप मेरे एक बार केक्स ट्राई कीजिए, और वो अपने केक्स शुरू में लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी टेस्ट करवाता है। फिर एक बार जब लोगों को उसका टेस्ट पता चल जाएगा ना उसके केक्स का, कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छे केक्स बना रहा है, तो फिर वो उससे रेगुलर लेने लग जाएंगे, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, साथ ही साथ उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो इस तरीके से उसने अपनी डिस्कवरेबिलिटी इंक्रीज करी। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट, मतलब आप किसी को भी ट्विटर पे कॉन्टैक्ट करो, किसी भी स्टार्टअप फाउंडर को आप जनरल सिंपल सा कोई ट्वीट कीजिए कि आप किस तरीके से उनकी कंपनी के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, आप उनके लिए क्या क्या वर्क कर सकते हैं, और उसके अंदर उनको टैग करना। तो इससे होगा क्या, जो जनरली ये जो स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं आपके लिंक्डइन डीएम्स और इंस्टाग्राम डीएम्स का रिप्लाई नहीं करेंगे, पर इसकी बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपने उनको ट्विटर पे ट्वीट किया ना तो वो आपको रिप्लाई जरूर देंगे। तो अगर उन्होंने आपके ट्विटर पे ट्वीट को रिप्लाई दिया ना, तो उससे होगा क्या, उनके जो फॉलोअर्स होंगे ना वो भी आपकी प्रोफाइल देखेंगे। आप जो ट्वीट करोगे ना उनको, उसमें आपको क्लियरली बताना है ये मेरी प्रोफाइल है, इस तरीके से मैंने आज तक इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं, आप मेरी प्रोफाइल देखो और मैं आपकी कंपनी के लिए इस तरीके से हेल्पफुल हो सकता हूं, तो आप एक बार मेरे को चांस दो। तो इससे आपकी विजिबिलिटी के साथ साथ डिस्कवरेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, अलग अलग जो स्टार्टअप से रिलेटेड मीटअप्स होते हैं ना उनके अंदर जाना है और मतलब लोगों के साथ नेटवर्किंग करनी है, मतलब अपना नेटवर्क सेम फील्ड के लोगों के साथ नेटवर्क इंक्रीज करना है। तो इससे क्या होगा, आपकी जान पहचान बढ़ेगी और मतलब इसी फैक्टर से भी आपकी डिस्कवरेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, मतलब और आपको लोगों से बात करनी है, मतलब अपने बारे में बताना है, अपनी स्किल्स के बारे में बताना है, जैसे कि उस बेकरी वाले ने किया था। तो इसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। तो
तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है और अपनी डिस्कवरेबिलिटी बढ़ानी है। इस तरीके से आप आसानी से किसी भी स्टार्टअप में जॉब फाइंड कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी वैल्यू ऐड की है तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप और अपने उन फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो किसी भी स्टार्टअप में काम करने के लिए इच्छुक हैं। थैंक्स अ लॉट।